फिल्म की शुरुआत 2057 के समय से होती है, जब किसी डार्क इन्फेक्शन के कारण सूरज अपनी रोशनी खोते जा रहा है, जिसके कारण जल्दी धरती जम जाएगी और लिविंग बींग्स का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिक सूरज को न्यूक्लियर डेटोनेशन से कार की तरह जम्प स्टार्ट करने का तय करते हैं, जिसे अंजाम देने के लिए आइक्रस 1 स्पेसक्राफ्ट इक्विप्ड विद एडवांस हीट शील्ड, जो सूरज के खोलते गर्मी को भी झेल सकता है, एक बॉम्ब पेलोड को सूरज पर गिराने के लिए मिशन पर भेजा गया, पर रहस्यमय कारण से स्पेसक्राफ्ट सूरज तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। इसलिए 7 साल बाद दूसरा स्पेसक्राफ्ट आइक्रस 2 को 8 एस्ट्रोनॉट्स कैपा, जो पेलोड को ड्रॉप करने और डेटोनेशन के लिए जिम्मेदार है, कैप्टन कनेडा, इंजीनियर मेस, डॉक्टर सर्ल, पायलट कैसी, नेविगेशन एक्सपर्ट ट्रे, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हार्वी और कोराइजन द बोटैनिस्ट, जो स्पेसक्राफ्ट में पौधों की मदद से ऑक्सीजन और फूड सप्लाई मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है को सेम मिशन पर भेजा जाता है। उनका स्पेसक्राफ्ट अपने आप में ही काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस और स्पेशियस होता है, जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी पैदा कर सकता है, जिसकी मदद से वो फ्लोट नहीं होते। अब देखते ही देखते 16 महीने बीत जाते हैं और अब वो द सोलर नॉइज कॉल्ड द डेड जोन में प्रवेश करने वाले हैं, जहां से सूरज की रोशनी तेज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी के कारण उनका कंट्रोल रूम से संपर्क बनाए रखना नामुमकिन होगा। इसलिए क्रू को 24 घंटे दिए जाते अपने लव्ड वंस के लिए संदेश छोड़ने के लिए। सबसे पहले कैपा ट्राई करता है, पर ऐसे गंभीर और नाजुक पल में वो अपने फीलिंग्स को शब्द में बयां करने में काफी समय लेता है, जिसके कारण वो ही सारा टाइम एग्जॉस्ट कर देता है, जिससे अब बाकी सभी अपने लव्ड वंस को संदेश नहीं भेज पाते, जिससे मेस एकदम भड़क जाता है और गुस्से में कैपा से लड़ पड़ता है। मेस को शांत करने के लिए डॉक्टर सर्ल उसे स्पेसक्राफ्ट के ऑक्सीजन रूम में कुछ समय बिताने का सुझाव देता है, जहां कुछ समय बिताने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है मानो वो सच में पृथ्वी पर हो। इसलिए दिमाग हल्का होने के बाद वो कैपा से सुलह भी कर लेता है। वहीं सर्ल को सूरज की रोशनी को सीधे देखने का लगाव हो जाता है, इसलिए वो जब मौका मिले तब वो उसकी सुंदरता में खो जाता है। दरअसल स्पेसक्राफ्ट सूरज को फिल्टर करके उसका सिर्फ 2% दिखाता है, पर सर्ल पर जुनून छाया होता है उसे अनफिल्टर्ड देखने की, जिसे ऐसा ना करने के लिए स्पेसक्राफ्ट का एआई उसे चेतावनी देता है, क्योंकि एक इंसान की आंखें सिर्फ सूरज के 3.1% के व्यू को कुछ ही सेकंड्स के लिए झेल सकता है। सर्ल इतने से भी संतुष्ट वो एआई को 3.1% के लिए इंस्ट्रक्ट कर देता है, जिसके बाद वो और भी सूरज की रोशनी का कायल हो जाता है और अब वो बार बार ये अनुभव रिपीट करने लगता है, जिसका असर उसके चेहरे पर नजर आने लगता है, क्योंकि अब उसके चेहरे की चमड़ी जलकर निकलने लगती है। पर अब जब उनका स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी ग्रह के करीब से गुजरता है, तब उन्हें आइक्रस 1 से डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव होता है। इससे उनमें उम्मीद जागने लगती है कि शायद आइक्रस 1 में अब भी कुछ लोग जिंदा है। पर सबसे बड़ा सवाल कि 7 साल बाद भी कोई कैसे जिंदा रह सकता है। कोराइजन का मानना होता है कि शायद उनका अर्थ रूम सर्वाइव कर गया, जिसकी मदद से सर्वाइव करना मुमकिन है, जिससे अब सवाल होता है कि क्या उन्हें अपने मिशन से डेविएट होकर दूसरों को बचाने में अपना समय और साधन गंवानी चाहिए। मेस मिशन से हटने से बिल्कुल खिलाफ होता है। काफी बहस के बाद अब कैपा पर आखिरी फैसला छोड़ दिया जाता है। कैपा अब अपना कैलकुलेशन करने लगता है, जिससे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि वो आइक्रस 1 पर गए तो वो उस स्पेसक्राफ्ट के बॉम्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बॉम्ब काम नहीं किया तो दूसरा जरूर काम करेगा। इसलिए नेविगेशन में एक्सपर्ट ट्रे आइक्रस 1 तक पहुंचने का ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करने लगता है, पर वो इस इमेंस प्रेशर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर बैठता है। वो अपने इक्वेशन में सनरेज के फैक्टर को इंक्लूड करना मिस कर जाता है कि जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं उस तरफ सूरज की झुलसती किरणें कितनी तेज होगी, इसलिए वो उन हीट शील्ड को रीएडजस्ट करना भूल जाता है, जो स्पेसक्राफ्ट को सूरज के भभकते रोशनी से बचाए रखता है, पर उसके गलती के कारण उनके स्पेसक्राफ्ट के कुछ पैनल्स डैमेज हो जाते हैं। अब इस डैमेज में वो अपने मिशन को अचीव नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें बाहर जाकर स्पेसक्राफ्ट को दुरुस्त करना होगा, जिस जानलेवा मिशन के लिए कैप्टन कनेडा और कैपा खुद को वॉलंटियर करते हैं। दोनों भी अब स्पेस वॉक करके पैनल्स को फिक्स करने लगते हैं, जिसके लिए कैसी पहले तो स्पेसक्राफ्ट के डैमेज हिस्से को सूरज के एंगल से दूसरी साइड मोड़ देती है, पर इससे अब एक नई परेशानी पैदा हो जाती है। स्पेसक्राफ्ट का अब अनशील्ड
हिस्सा सूरज को डायरेक्ट फेस करने लगता है, जहाँ स्पेसक्राफ्ट का कम्युनिकेशन टावर सिचुएटेड होता है, जिसमें सूरज के खौलती गर्मी के कारण आग लग जाती है। इतना कम नहीं कि अब इससे सीरीज ऑफ इवेंट्स ट्रिगर हो जाते हैं, जब उन्हीं जलती कम्युनिकेशन टावर से कुछ सूरज की किरणें डिफ्लेक्ट होकर स्पेसक्राफ्ट के ऑक्सीजन गार्डन में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन गार्डन भी अग्नि में झुलसने लगता है, जो इतना बेकाबू होने लगता है कि कभी भी वो पूरे स्पेसक्राफ्ट को निगल ले। इससे पहले कि ऐसा हो, कैप्टन को एक जोखिम का निर्णय लेना पड़ता है, गार्डन में कैद सारे ऑक्सीजन को रिलीज करके, ताकि आग और ना फैले। पर इससे भी उनकी परेशानी थमती नहीं, क्योंकि अब स्पेसक्राफ्ट को मुश्किल में देख स्पेसक्राफ्ट का AI ऑटोमेटिकली स्पेसक्राफ्ट को अपने कंट्रोल में लेकर स्पेसक्राफ्ट के पैनल के हिस्से को सूरज की तरफ मोड़ने लगता है, ताकि स्पेसक्राफ्ट का अनशील्डेड हिस्सा और जलने से बच सके। पर AI इस डेटा से अनजान कि कैप्टन और कैपा उसी साइड में मौजूद पैनल्स को दुरुस्त कर रहे हैं। अब इससे पहले कि दोनों की झुलस कर मौत हो जाए, कैसी AI से कंट्रोल रिटर्न लेने की कोशिश करती है, पर इसके लिए उसे एक और क्रू से ओवरराइड कमांड की जरूरत होगी, इसलिए वो तुरंत मेस को ऑथोराइजेशन का कोड AI को कहने की विनती करती है। पर मेस के लिए दो लोगों की जान से बढ़कर मिशन होता है, इसलिए वो ऑथोराइजेशन कोड कहने से इनकार कर देता है, पर इवेंचुअली कैसी उसे कैसे तो मना ही लेती है, और अंत में कंट्रोल कैसी के पास आ जाता है। पर मेस अब अपना विचार फिर से बदल देता है और कैप्टन को परिस्थिति के बारे में समझाता है, जिस पर कैप्टन भी सहमत होता है कि मिशन से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए अपनी जान की परवाह ना करके बीइंग अ कैप्टन वो अपनी कुर्बानी देने का तय करता है, जिसके लिए वो पहले AI को कंट्रोल फिर से रिटर्न लेने का परमिशन देता है और स्पेसक्राफ्ट को ओरिजिनल कोर्स सेट करने को कहता है, क्योंकि वो पीछे रहकर पैनल्स को फिक्स करेगा, इसलिए वो कैपा को तुरंत जाने का आदेश देता है, जिसे अंत में कैपा को मानना ही पड़ता है। अब जैसे ही दोनों की ऊपर से डार्क साइड गायब होने लगती है, कनेडा कैपा को ऑर्डर देता है स्पेसक्राफ्ट में लौटने के लिए, और उसके सही समय पर सारे पैनल्स को पैच करने के बाद वो अंत में सूरज देवता के भेंट चढ़ जाता है। इसके बाद भी उन पर सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ऑक्सीजन गार्डन खोने के बाद अब उनके पास लिमिटेड ऑक्सीजन बची होती है, इसलिए अब उनका आखिरी चारा आइक्रेस 1 है। वहीं ट्रे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, क्योंकि वो खुद को जिम्मेदार मानने लगता है और आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है, इसलिए क्रू को उसे बेहोश करना पड़ता है। इसके तुरंत बाद वो आइक्रेस 1 से जुड़ने में सफल हो जाते हैं और मेस, कैपा, सर्ल और हार्वी उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जहां उन्हें राहत की खबर मिलती है कि आइक्रेस 1 पर सर्वाइव करने के लिए सारे खाने पीने के साधन और ऑक्सीजन गार्डन भी सही सलामत है। पर इसी स्पेसक्राफ्ट के कैप्टन पिनबैकर के वीडियो लॉग से वो हैरान करने वाली खोज करते हैं, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ। वो मानने लगा था कि सूरज का रोशनी खोना भगवान का ही करा था, धरती से पाप को मिटाने के लिए। इसके तुरंत बाद उन्हें व्यूइंग रूम में, जहां से सूरज को सीधे देखा जा सकता है, बाकी क्रू मेंबर्स के अजीब शव बरामद होते हैं, जिन्हें देखकर साफ समझ आता है कि उन्होंने फिल्टर को टर्न ऑफ कर दिया था, जिससे उनका शरीर सूरज की रोशनी में झुलस गया। पर फिर तभी अनजान कारण से आइक्रस 1 और 2 के बीच का एयरलॉक मानो डेटोनेट हो जाता है, और अब दोनों भी स्पेसक्राफ्ट अलग हो जाते हैं, जिसके कारण अब वो बुरी तरह से फंस गए। पर भाग्य से उन्हें आइक्रस 1 में एक वॉकिंग EVA सूट मिलता है, जिसके बेसिस पर मेस को एक तरकीब सोचता है कि कोई एक आइक्रस में पीछे रहकर मैनुअली एयरलॉक को ऑपरेट करेगा और बाकी सभी उसी जनरेटेड सडन प्रेशर की मदद से खुद को आइक्रस 2 की तरफ लॉन्च कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये भी है कि किसी को पीछे रहकर अपना बलिदान देना होगा, जिसके लिए सर्न मान जाता है। वहीं सिंस कैपा का जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही एक एक्सपर्ट है जो पेलोड को इग्नाइट करना जानता है, कैपा को EVA सूट दिया जाता है और बाकी सभी स्पेसक्राफ्ट के इंसुलेशन के जुगाड़ से सूट तैयार करके कैपा को जकड़ के रहेंगे जब वो आइक्रस 2 की तरफ लॉन्च होगा। अब प्लान के मुताबिक अपनी जान पर खेलकर अपने मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं, पर दुर्भाग्य से दोनों भी अपनी पकड़ खो बैठते हैं। कैपा मेस को सही समय पर दबोचने में सफल हो जाता है, पर तब तक हार्वी अंतरिक्ष में खींच लिया जाता है और बिना प्रॉपर सूट की उसकी जमकर वहीं मौत हो जाती है, जिसका शरीर स्पेसक्राफ्ट को टकरा कर उसके टुकड़े हो जाते हैं। वहीं आइक्रस 1 को आइक्रस 2 के शील्ड ने सूरज की किरणों से बचाए रखा था, और अब जब वो उससे दूर निकल गया है, जल्दी सूरज के एक्सपोजर में सर्ल मारा जाएगा, इसलिए वो अपनी मौत को स्वीकार कर फाइनली अपना सूरज को सीधे देखने का जुनून पूरा करके अपनी जान सूरज के हवाले कर देता है। अब यहाँ कोरोजन के कैलकुलेशन के अनुसार
अनुसार मिशन को पूरा करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में अब सिर्फ 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बचा हुआ है, यानी कि किसी एक को मरना होगा। और तभी मतलबी मेज बाकी सभी के मन में ये विचार डालने लगता है कि ट्रेन सबका जिम्मेदार है, इसलिए उन्हें उसे एलिमिनेट करना होगा मिशन को अचीव करने के लिए। पर उन्हें जल्दी पता चलता है कि ट्रेन ने कब का खुद की जान ले ली। पर तभी AI उन्हें अपडेट करता है कि उनके पास अब भी ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में अब भी 5 लोग मौजूद है और वो 5वां व्यूइंग रूम में मौजूद है। कैपा तुरंत व्यूइंग रूम की तरफ भागता है, जहां उसे एक बड़ा शॉक लगता है कि आइक्रस 1 का कैप्टन पिन बैकर अब भी जिंदा है, जो उन सबको बिना पता लगे उनके स्पेसक्राफ्ट में घुस गए, जिनका शरीर बुरी तरह से जला हुआ, उनकी मानसिक हालत सही नजर नहीं आती। ऊपर से वो बिना किसी चेतावनी के कैपा पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं। दरअसल उनका मिशन फेल होने के बाद और इतने सालों से अकेले आइक्रस 1 में कैद रहने के कारण उनके मन में ये बिलीफ पैदा होने लगी कि सूरज दरअसल देवता है, जो इंसानियत को खत्म करना चाहते है, इसीलिए वो उनका मिशन भी सफल होने नहीं देंगे। कैपा कैसे तो उसके चंगुल से भाग पड़ता है, पर पिन बैकर उसे EVA सूट रूम में लॉक कर देता है, जिसके तुरंत बाद वो कोराइजन का शिकार करके उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट के मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर्स को नष्ट कर देता है, ताकि ये सभी अपने मिशन में कामयाब ना हो सके, जिसके बाद वो कैसी के पीछे पड़ जाता है। पर मेस अपनी जान पर खेल कर उसी कड़कते कूलिंग यूनिट में प्रवेश करके उसी मेन फ्रेम सिस्टम को फिक्स करने लगता है, जिसे वो फिक्स करने में सफल तो हो जाता है, पर रिबूट करने से पहले उसका एक पैर दुर्भाग्य से मशीनरी में फंस जाता है, जिसके कारण अब उसकी ठंड के मारे धीरे धीरे जान निकलने लगती है। वहीं आ कैपा EVI रूम में ट्रैप, वो मेस से संपर्क बनाता है, जहां मेस अपने अंतिम समय में उसे खबर करता है कि अब उसे ही पेलोड को मैनुअली डीकबल करना होगा, पर इसे अचीव करने के लिए उसे पहले चेंबर से आजाद होना होगा। इसलिए कैपा के दिमाग में एक जानलेवा आइडिया सोचता है, वो पहले तो EVA सूट पहनकर एक वेल्डिंग टॉर्च के मदद से इनर चेंबर के डोर में छेद कर देता है और फिर खुद को कुछ बार से होल्ड करके आउटर एयरलॉक डोर को खोल देता है, जिससे सडन भयानक प्रेशर जनरेट होता है, जिस सडन प्रेशर के कारण इनर डोर चेंबर की पकड़ भी उस छेद के कारण कमजोर पड़ने लगती है और अंत में वो भी अंतरिक्ष में खींच लिया जाता है, जिसमें कोराइजन की भी लाश बह जाती है। भाग्य से कैपा भी अंतरिक्ष में खींचे जाने से पहले ही बच जाता है और तुरंत एस फर्स्ट स्टेज पेलोड को मैनुअली डीकपल कर देता है, जिससे अब पेलोड आइक्रस 2 से दूर होने लगता है। पर सेकंड स्टेज एक्टिवेशन के लिए कैपा को पेलोड तक पहुंचना होगा, इसलिए अपने सूट के प्रोपल्शन यूनिट के मदद से सूरज के ऊपर से जानलेवा छलांग लगाता है और भाग्य से पेलोड तक पहुंच भी जाता है। वहीं आइक्रस 2 सूरज के खोलते प्रकोप में खींच लिया जाता है। अब कैपा पेलोड को मैनुअली इग्नाइट करने पड़ता है, जहां उसे घायल कैसी भी मिलती है, पर तभी गिनोना पिक बैकर उन पर फिर से हमला कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो तेजी से सूरज की तरफ बढ़ रहे होते हैं बिना पेलोड को इग्नाइट किए। दोनों में लंबी हाथापाई छिड़ी होती है, पर कैपा फिर से उसके चंगुल से भागकर तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचकर पेलोड के इग्निशन को ट्रिगर कर देता है, जिसके बाद जैसे जैसे पेलोड सूरज की सतह की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे पेलोड के भीतर इग्निशन का रिएक्शन नजर आने लगता है, जो देखने में बहुत ही अद्भुत। अंत में पेलोड के डेटोनेट होते ही सूरज के न्यूक्लियर रिएक्शन में जान आ जाती है, जिसमें जल्दी कैपा भी समा जाता है, पर जाते जाते वो सूरज को करीब से महसूस कर जाता है और फिर मूवी धरती पर कैपा की बहन की तरफ मुड़ जाती है, जो कैपा का ही भेजा संदेश देख रही होती है और फिर उसकी उसी सूरज के अद्भुत रोशनी पर नजर पड़ती है, जिसका सभी को इंतजार था, यानी कि उसका भाई अपने मिशन में सफल रहा, सूरज की रोशनी लौट आई और जल्दी ये जमा हुआ आइलैंड जो कभी समुद्र हुआ करता था, यहाँ एक बार फिर पानी नजर आएगा। और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।